पढ़े क्या लिखा है। घूमने जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। ये लो चीज़। तो भाई हम घूमने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान, हसान को घुमाने जा रहे हैं। हसान घूमे आपने? चीजी का क्या करोगे? हसान किधर जा रहे हो आप? किधर जा रहे हो? कहाँ किधर? उधर किधर? हैं मीनार पाकिस्तान घूमने जा रहे हो? अच्छा तो पहुंच चुके हैं मीनार पाकिस्तान। है माशाल्लाह यार, 1940 23 मार्च को क्या करारदाद और क्या मंजर होगा यहाँ पर। अलग ही उसका एक लेवल होगा कि जब अल्लामा इकबाल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे स्टेज लगा के बैठे होंगे और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया गया होगा। कि क्या जद्दोजहद थी कि आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं जहाँ पे हमें आज़ादी है हर चीज़ की, चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी में कोई तफरीक नहीं है, हर कोई आज़ाद है। कोई मज़हबी तौर पर आज़ाद है, चाहे वो ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, यहूदी हो, आज़ाद है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल किया और यकीनन इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो हर किसी को हर चीज़ की आज़ादी देता है हुदूद में रहकर। क्यों भाई? हाँ सीधा सीधा जाना है, सीधा सीधा तो मुझे तो पकड़ा दिया छोटे ने कैमरा, मैं तो कैमरा लेके घूम रहा हूँ फुल खुआरी। क्या हुआ गिरे बचे? चलो खैर हो गई। तो मेरी तो भाई हालत टाइट है, मेरी ना तस्वीरें खींच रहे ना मुझे घुमा रहे, बोला बस तस्वीरें मेरी बनाते रहो और तुम घूमते रहो। तो जैसे मैं मौजूद हूँ मज़ार इकबाल पर। अच्छा साथ में आते हैं। तो इस वक्त मज़ार इकबाल पर मौजूद हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ी तुर्बत पर करोड़ों को रहमत व अलैहि फरमाए, इनके सच्चे मेरे जो ख्वाब देखा उसको नहीं। जी बादशाही मस्जिद में क्या जगह उन्होंने बंद की हुई ना, वो जगह के लिए आओ चलें उधर चलें यार, आज गर्मी बहुत भाई बहुत गर्म हो रहा है यार। बादशाही मस्जिद भाई मैं अभी बाहर देख रहा था, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है अंदर जो है टिकटॉक किसी भी किस्म की बनाना मना है, मतलब कोई भी वीडियो। क्यों? पहले यहाँ बहुत शूटिंग वगैरह होती थी और वीडियोज भी बनती थी, तो फिर एक शख्स जिसे अल्लामा खादिम हुसैन के नाम से जानते हैं तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया था। उनके एक्शन के बाद ऐसा रिएक्शन हुआ कि यहाँ पर पोस्टर लगे हुए कि यहाँ पर वीडियो बनाना मना है टिकटॉक, ये तो मैं टिकटॉक नहीं बना रहा ना, तभी अलाउ हुई। जी तो बादशाही मस्जिद के अंदर कारनामे देखे खालिद, मोहब्बत बड़ी दास्तानें सारी यही हैं। पढ़ें क्या लिखा है? दिल फराज किधर बंदा, अगर हम बादशाही मस्जिद का बगौर जायज़ा लें तो पुराने ज़माने के बेहतरीन किस्म की हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया है और दीवारों पे जिस तरह कारीगरी की गई है, इसे आई थिंक कैलीग्राफी कुछ कहते हैं, तो ये आर्किटेक्चर भी बहुत ही बेहतरीन, मतलब आज इतने साल गुजर जाने के बाद कई सौ साल उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज है। और यहाँ पर यकीन पाकिस्तान के अंदर वैसे ही देखभाल नहीं की जाती तो बग़ैर देखभाल के इतना अच्छा क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर देखभाल की जाती तो फिर क्या बात होती। लेकिन माशाल्लाह बैरून मुल्क से लोग बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान विज़िट करने आते हैं, इसमें ऐसी कई खासियात हैं। देखें माशाल्लाह किस तरह दीवारों पर
लिखाई की गई है और हाई क्वालिटी के अंदर हर चीज़ बनाई गई है। मतलब बंदा देखे तो देखता ही रह जाए। आप देख सकते हैं इस वॉल को, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा। नो 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 नो। चले आपको एक चीज दिखाते हैं यहाँ की बहुत खास। नंबर यहाँ नोट कर लें जिनको कि जिनसे रब्ता करना है। शान यस आप व्यूअर्स मॉकी बॉल खाएंगे? क्या कह रहे हैं? यस 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 वी कैन डैड। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चार्जेस हैं भाई? 80 रुपये टिकट है। 80 रुपये टिकट फी बंदा? हाँ जी सही। कहाँ तक घुमा दें पूरा चक्कर या सिर्फ बाहर छोड़ ड्रॉप करना? गेट पे छोड़ेंगे। 500 जी। तो भाई ये सर्विस भी पैसों की है। मैंने कहा फ्री है ये हुकूमत है पाकिस्तान, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्विस नहीं है। 80 रुपये फी बंदा। कुछ करके इनका हिसाब लगा। क्या कराची के मेट्रो का भी ऐसे ही टोकन है? बताएं मुझे कमेंट में। आप कराची वाले में तो नहीं बैठा, खैर मैं पंजाब वाले में बहुत बार बैठा हूँ, लाहौर वाले में। ये आ गई हमारी मेट्रो। आसान कार्रवाइयाँ करते हुए इंजीनियर बनेगा। आसान इंजीनियर आसान आसान फुल है भाई, फुल बिल्कुल।